Hello everyone, my name is Shelja Chabra and today we are going to start with the chapter number 1 of Hindi. Hindi ka part 1, Raag ki Rassi, NCRT book mein se, kaksha 5 mein. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राग की रस्सी ये जो पार्ट है इसकी मैं आपको थोड़ी सी समरी बताती हूँ. ठीक है, कि एग्जैक्टली ये है क्या. ये है लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसैन गांपो एक ना मंत्री थे. ठीक है, और लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था. वह इतना बोला था कि लोनपोगार काफी चिंतित हो उठे. वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो. एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर शहर जाने को कहा. साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लेकर आए. ठीक है, बेटा शहर पहुंच गया. वह बहुत ही चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए ही नहीं थे. अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई. जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो और उसने अपना हाल कह सुनाया. लड़की होशियार थी. उसने भेड़ों के बाल उतारकर बेच दिए, बाजार में बेच दिए, और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ के खरीद कर उसे वापस भेज दिया. बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर से शहर भेज दिया उन्हीं भेड़ों के साथ. उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतार कर बेचना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जो अवश्य लाएगा. तो एक बार फिर वो निराश लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया. वह लड़की उसे फिर मिली. उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई. इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काट कर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीद कर उसे वापस घर भेज दिया. बेटे ने खुशी में अपने पिता को सारी कहानी कह सुनाई. सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राग की रस्सी बना कर दे. उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया तो लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी. शर्त थी कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने. तो लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त को स्वीकार कर लिया. अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल जो होती है ना, तो उस पर रखकर जला दिया. तो रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राग बच गई. लड़की उसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा. लोनपोगार राग की रस्सी देखकर दंग रह गए. लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफी प्रभावित हुए और उससे अपनी बेटी की शादी करवा दी. ठीक है, तो ये तो थी समरी. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर इसके सॉल्यूशंस यानी इसके जो इसके प्रश्न उत्तर वगैरह करेंगे. सबसे पहले हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे कि स्टोरी एक्चुअली में पूरी की पूरी स्टोरी भी तो पढ़नी चाहिए ना हमें. तो उसमें क्या है, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसैन गांपो के मंत्री थे. वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे. कोई उनके सामने टिकता ना था और चैन से जिंदगी चल रही थी. मगर जब उनका बेटा बड़ा हो गया ना, तो उनको बहुत ही ज्यादा चिंता हुई. क्योंकि और चिंता वो उनको इसलिए हो रही थी क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा भोला था, बहुत ही ज्यादा भोला था. होशियारी का तो मतलब ही नहीं था उसके अंदर. तो लोनपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा इतना ज्यादा सीधा साधा है तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो काम चलाना बहुत ही मुश्किल है. तो भाई मैं इतना ज्यादा तेज, मैं इतना क्लेवर, इतना सब करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल ही लल्लू टाइप्स ऑफ है. तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े दे दी. ठीक है, और कहते हैं कि तुम इन्हें ना शहर में ले जाओ, मगर इनको मारना नहीं है और ना ही इनको बेचना है, और इनको वापस लेके आना है, और वापस लेके आओ और साथ में 100 बोरे भी साथ में लेके आना जौ के. ठीक है, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा. तो इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया. ठीक है, वो चला गया शहर की तरफ.
तो थोड़ा वो परेशान तो था, थोड़ा वो अपसेट तो था, यार मैं करूंगा कैसे। तो लोन लोन पुकार का बेटा शहर में पहुंच गया, मगर इतने सारे बोरे जौ के खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो वो सोचने के लिए वहां पे बैठ गया, वहां पे सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तो क्या हुआ जी, अब मगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत ज्यादा दुखी था वो। तो एक लड़की ने देखा कि भाई ये लड़का ना बड़ा ज्यादा परेशान सा लग रहा है, थोड़ा दुखी सा लग रहा है। तो भाई मैं इससे पूछती हूँ कि क्या बात है, वो इतना दुखी क्यों है। तो उस लड़की ने उससे पूछा कि भैया तू कि भाई तू इतना दुखी क्यों है। तो लोन पुकार के बेटे ने अपनी बात कह दी कि भाई मेरे मेरे पापा ने तो मेरे को ऐसे ऐसे करके 100 बोरे दे दिए, 100 बोरे जौ के लाने के लिए दिए और साथ में भेड़े भी दे दी। तो भाई अब मैं कैसे लेके आऊंगा, तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और इनको बेचने के लिए भी उन्होंने मना किया है। तो इसमें तो लड़की बोलती है कि ना भाई इसमें इतना ज्यादा दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो इतना कहकर लड़की ने भेड़ों को लिया और उसके सारे के सारे बाल उतार दिए भेड़ों के, और बाजार में बेच दिया बालों को। और जो जो रुपए उसको मिले उससे 100 बोरे जौ के खरीद के उसको लड़के को घर पे वापस भेज दिया कि जा बेटा अब तू घर पहुंच, अपने पापा को खुश कर जरा है। तो लोन पुकार के बेटे को लगा कि भाई आज तो कि मेरे पापा तो बड़े ही खुश होने वाले हैं। तो उसने अपनी जो उसने किया या उसकी जो वो जो लड़की ने जो कुछ किया उसने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद उसके जो जो उस लड़के लड़के के जो पापा थे ना लोन पुकार ने कोई भी बात नहीं सुनी उसकी और चुपचाप उठ के बाहर चले गए। तो अब जी क्या हुआ, दूसरे दिन उसने अपने बेटे को फिर से बुलाया और फिर से बुलाने के बाद बोलता है कि भाई पिछली बार तो भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अब दोबारा से भेड़ों को लेके जाओ और लेके जाने के बाद उनके साथ और उसके बाद दोबारा से कुछ ऐसा करो कि 100 बोरे जौ के तुम साथ में लेके आना, ठीक है। तो एक बार फिर निराश होकर लोन पुकार का बेटा वापिस शहर में गया और वापिस उसी जगह पर जाके पहुंच गया। तो उसको लगा कि शायद ना वो लड़की ना फिर से जरूर आएगी है। तो वही हुआ, वो लड़की फिर से आ गई और उसने फिर से अपनी मुश्किल सुनाई कि भाई आज तो फिर से पापा ने मेरे को पैसे दिए नहीं है और साथ में बोलते हैं कि ना भाई 100 बोरे जौ के ले आ और साथ में मेरे को ये दे दिए, शीप दे दी इतनी सारी, ठीक है। तो लड़की सोच के बोलती है कि एक तरीका और है। तो उसने क्या किया, भेड़ों के ना सींग को काट लिया। सींग क्या होते हैं, ये जो ऊपर यहाँ लगे हुए होते हैं। तो उसने ना सींग काट लिए, उनको बेच के जो रुपए आए उससे 100 बोरे जों के खरीदे और उसके बाद वो बोरे लेके लोन पुकार का बेटा वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो घर जाके ना उसने ना अपनी सारी की सारी बातें ना अपने पिता को बताई और उसको लगा कि शायद मेरे पापा तो अब बहुत ज्यादा खुश होंगे। और सुन के ना लोन पुकार बोले कि उस लड़की को बोलो कि, और साथ में उसने बता भी दिया लड़के ने कि भाई वो लड़की है जो मेरी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो लोन पुकार ने सुना और सुनने के बाद बोलते हैं कि ना जाओ उस लड़की को बोलो कि 9 हाथ लंबी रस्सी राख की रस्सी बना कर दे। तो उसने लड़के ने बोला लड़की के पास जाकर तो पिता का संदेश पूरा का पूरा सुना दिया कि भाई मेरे पापा ने तो अब ऐसे ऐसे करके बोला है कि तू बना 9 हाथ लंबी रस्सी बना और वो राख की रस्सी बना और उनको दे। तो लड़की ने एक शर्त रखी, बोलती है कि ना भाई मैं बना तो मैं दूंगी रस्सी, लेकिन ना तुम्हारे पापा को ये तुम्हारे पिता को ये गले में पहननी पड़ेगी। तो लोन पुकार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही मुश्किल है, तो उसने लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया, ठीक है, मान गया वो, ठीक है भाई तू जैसे बोलेगी मैं पहन लूंगा। तो अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रख दिया, ठीक है, पत्थर के सिल पर रख दिया और उसको जला दिया। अब रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोन पुकार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। तो लोन पुकार रस्सी देखकर चकित रह गए, बहुत ही ज्यादा अचंभित थे वो। तो वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसको टच भी नहीं कर सकते, उसको उठा भी नहीं सकते, अगर उठाया तो वो तो है तो राख ही ना, तो राख सारी की सारी उड़ जाएगी या फिर खराब हो जाएगी, तो हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। तो लड़की की समझदारी के सामने उनको अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। तो
तो बिना वक्त गवाए लोन पुकार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा और धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी। तो अब आगे सुनो, आगे क्या है, आगे हैं उनके कुछ तो शब्दार्थ वगैरह हैं, फिर उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है उनका, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, ठीक है, तो तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों को बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। हाँ, तो अब देखो ऐसा था कि उनको ये लगता था कि उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कोई पागल ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो ना दे, तो वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। उनको इस चीज की बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी, वो इसलिए इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। ख पाठ है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो वो कह रहे हैं कि, तो इसका उत्तर है, मैं रोज उसको अपने पास बिठाकर उसको दुनियादारी की बातें समझाती, उसको पढ़ाती लिखाती और उससे प्रश्न उत्तर पूछती थोड़े बहुत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अब इसमें अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, ठीक है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। देखो उसने उसने अपने बेटे को समझदारी सिखाने के लिए उसको शहर में भेजा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उसने अपने शहर के लोग, वो सोचता था कि शहर के लोग जो होते हैं ना काफी ज्यादा समझदार होते हैं, काफी होशियार होते हैं, तो वो कहते हैं कि ना भाई मेरा बेटा अगर इतना भोला है और वो उन लोगों के साथ रहेगा, शहर के लोगों के साथ रहेगा, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भी थोड़ा चलाक हो जाएगा। तो इससे अगला वाला प्रश्न है, तो उसका उत्तर आपको खुद ही करना है। तो नेक्स्ट है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है, तो अपने घर में और स्कूल से बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। देखो अनाज अनाज तो वही होते हैं जो आप घर पे, जिससे आपकी रोटी बनती है या ये सब चीजें होती हैं, खाना वाना बनता है, चावल हो गए, ये सब चीजें भी अनाज में गेहूं में आती है। तो आपका उत्तर इसमें होगा, गेहूं में आएगा मक्का, बाजरा, और जौ में आएगा धान और ज्वार, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, गेहूं और जो अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वो कह रहे हैं क पार्ट, क पार्ट में है, इसके क पार्ट में है कि नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण कर इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो वो है, तो इसका इसका उत्तर आप ना वैसे खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है आपका ले, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा में आता है धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ख में, ऊपर लिखी हुई हर जाति जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन 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 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखो। तो इसका उत्तर आता है, देखो शहर है, शहर का होता है कोलकाता, पटना, चेन्नई, ठीक है। वेशभूषा उसका है कमीज, टाई, सलवार, और नेक्स्ट है धातु, ठीक है, धातु का है लोहा, सोना, चांदी, और भोजन, भोजन का है चावल, दाल और रोटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसके अंदर आपको करना है अगला अगला प्रश्न जो है आपको स्वयं ही करना होगा, अपने आप इसको इसका प्रश्न पढ़ो और इसका उत्तर आप खुद कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है, आपको खुद ही करना है। तो उससे अगला क्वेश्चन है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्या मंत्री को सचमुच
यह बात पसंद नहीं आई थी, तो इसका उत्तर का कारण भी बताओ। तो इसका आंसर होता है, मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई भी योगदान नहीं था, ठीक है? तो इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि वह अपनी होशियारी दिखा सके। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? तो ये वाक्य जो दिए हुए हैं, चैन की जिंदगी चल रही थी, होशियारी बहुत उसे छूकर भी नहीं गई थी, और उससे अगला है, मैं उसका हल निकाल देती हूँ, और उससे नेक्स्ट है, उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। तो इसका पहले का उत्तर होगा, चैन से जिंदगी चल रही थी, उसका उत्तर होगा शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। नेक्स्ट है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो इसका आंसर है, वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था, ठीक है? अब नेक्स्ट है, मैं उसका हल निकाल देती हूँ, तो इसका आंसर है, मैं उसका उपाय बताती हूँ, ठीक है? तो अब घ पाठ, उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई, तो इसका उत्तर है, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। अब नेक्स्ट है, लोन पुकार का बेटा होशियार नहीं था, ठीक है? जो लोन पुकार का बेटा था वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। तो उसका क पाठ है प्रश्न का, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। देखो, वैसे तो इसकी इसकी जो डिटेल्स हैं आपको खुद ही करनी है, और बाकी वैसे थोड़ा बहुत बता देते हो, जो इसका आंसर हो सकता है आपका, जो होशियार शब्द होता है वो होता है सकारात्मक अर्थ होता है, अर्थ में इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब है समझदार, ठीक है? लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग जो होता है ना, वो होता है नकारात्मक, ठीक है? नकारात्मक अर्थ में इसका मतलब लिया जाता है, इसका मतलब होता है चतुर, ठीक है? चतुर, चालाक, ठीक है? तो अब उसके बाद अगला है भोला। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई भी व्यक्ति भोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है, किंतु हृदय से सीधा है। तो बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या फिर बेवकूफ, ठीक है? तो उसके बाद ख पाठ, इसका ख है, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, क्यों? देखो, पहले तो हमें क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर बताना है कि लड़की को हम बोलेंगे क्या, वो समझदार होएगी, उसको समझदार बोला जाएगा या बुद्धिमान बोला जाएगा, फिर उसके बाद उसका क्यों का उत्तर बताना है। तो इसके अंदर है, लड़की जो थी ना वो बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे की शादी अपने बेटे से करवा दी, ठीक है? तो उसके बाद अब नेक्स्ट है, देखो अब इसके ना प्रश्न उत्तर जो है वो खत्म हो चुके हैं, इसके बाद जो जो आगे पीछे अगर कुछ छूट गया तो उनको आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानी एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इजी है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। देखो, आपने स्टोरी तो पढ़ी ली है, तो प्रश्न उत्तर करने में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अब आई थिंक अब हमें ये ओवर कर देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।